मालवा निमाड़ के साथ ही पूरे प्रदेश में लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते इंदौर शहर की निचली एवं गरीब बस्तियों में जगह जगह पानी भरने की शिकायतें मिल रही है। इंदौर में कल से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर की विभिन्न निचली एवं गरीब बस्तियों में जल जमाव की स्थिति निर्मित होने के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपनी निगम की टीम के साथ उन बस्तियों का दौरा किया जहां पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। खंडवा रोड स्थित विभिन्न बस्तियों में आज महापौर के द्वारा दौरा किया गया। जल जमाव की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर नगर निगम का कंट्रोल रूम कल से ही सक्रिय है और जहाँ जहाँ जल जमाव की स्थिति बन रही है वहां से पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। गरीब बस्तियों के कई घर ऐसे थे जहां पर घरों के अंदर पानी घुस गया है, उनके फर्नीचर खाने पीने के सामान सारे पानी में डूबे हुए नजर आए। ऐसी स्थिति को देखते हुए इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उन्होंने खाने की व्यवस्था भी निगम की ओर से की जाने की घोषणा की है। शहर की विभिन्न बस्तियों का दौरा किया और बताया कि नगर निगम की अच्छी व्यवस्था के चलते इस बार उतना जल जमाव नहीं हुआ है जितना हर साल होता है और अब तक किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी की जानकारी सामने नहीं आई है। कल से लगातार इंदौर में मूसलाधार बारिश हो रही है। सुबह 6 बजे तक लगभग 6 इंच बारिश हो चुकी है। उसके कारण से कल रात में 2 बस्तियों को भी हमने शिफ्ट किया है और तालाबों के आसपास की जितनी बस्तियां हैं, जितने मोहल्ले हैं, उनमें पानी भरने की लगातार सूचना मिल रही है। रात भर से इंदौर नगर निगम के सारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि अलर्ट पे हैं। मधु भैया सुबह 5 बजे से अलग अलग बस्तियों में घूम रहे हैं। हम शहर के अलग अलग जगह पर घूमकर उनका मुआयना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पानी निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं और जिन बस्तियों में पानी भराया है उनमें राहत का काम भी हम शीघ्र शुरू करने वाले हैं। जहाँ पानी निकालने का काम था वो शुरू कर चुके हैं। पिछली वर्ष की तुलना में इस बार तालाबों की चैनल, ड्रेनेज की लाइनें सफाई करने के कारण बहुत सारी राहत शहर को है, लेकिन फिर भी इतनी बारिश होने के कारण जहां जहां भी बड़ा जल जमाव है इंदौर नगर निगम की टीम लगातार जिला प्रशासन, पुलिस अलर्ट पर रहकर काम कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी अनहोनी की घटना नहीं जानकारी मिली है। सारी टीम, सारा फोर्स अलर्ट पे है। मैं लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि स्वयं की चिंता करें। पानी घरों में घुस रहा है तो जहाँ जहाँ भी आवश्यक होगा सब प्रकार के राहत का कार्य हम करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।